गुड मॉर्निंग इंडिया एंड वर्ल्ड। तो भाई साहब हम कहाँ हैं, हम दिखाते हैं इंडिया का एक बहुत ही खूबसूरत डेस्टिनेशन सुराल भटोरी आज आपको दिखाएंगे हम। बाकी नज़ारा आप देखो अभी हम कहाँ पर है भाई, ये देखो पूरी जन्नत वाली वैली है यार। इधर देखो पीछे फूल लगे हुए, ऊपर बादल हैं, इधर सूरज निकला हुआ है, इधर अपना जुगनू खड़ा हुआ है और इधर रॉकी भाई और वरुण भाई खड़े हुए हैं। देखो एंजॉय कर रहे हैं वैली को। और आज हम दिखाएंगे आपको सुराल भटोरी का एक वाटरफॉल जो कि बहुत ही फेमस है। तो उसका एक ट्रैक है आधे पौने घंटे का, तो वो एक करेंगे। वैसे तो लोकल बता रहे कि आधे घंटे में हो जाएगा, लेकिन हम हैं भैया दिल्ली वाले, पहाड़ों में चलने की आदत है नहीं इतनी, तो हो सकता है हमें एक आध घंटा लग जाए। बाकी यहाँ पर हम रात को रुके थे, कैंप साइड है यहाँ पर, और ये वैसे तो बता रहे थे कि 6000 रुपये पर नाइट लेते हैं, लेकिन ऑफ सीज़न है बिल्कुल, तो हमें 1500 रुपये में ये कैंप अच्छा खासा मिल गया। अंदर से भी जाके अभी दिखाता हूँ, लेकिन एक बार उधर चलते हैं और वहाँ से ये सारे कैंप दिखा। ये रहे मुकेश भाई मुक्कुदा हमारे। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और ये देखो इनकी GS 310 वरुण भाई की। तो इतने सारे कैंप लगे हुए हैं, एक कैंप साइड ऊपर भी है, तो वहां पर भी जाके आपको दिखाएंगे एक बार। तो बेसिकली यहाँ पर दो ही कैंप साइड हैं, एक मिनट दिखाता हूँ मैं आपको। एक तो ये वाली है जिसमें हम रुके हुए हैं, तो बोल रहे थे लोकल की ये वाली थोड़ी सस्ती है और वो जो है ऊपर वो थोड़ी सी महंगी है। वो देखो, देख रहे हो ये वाली। तो नज़ारा कुछ ऐसा है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। इस रास्ते से हम आए थे, थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो वहाँ पर एक ड्रोन शॉट लेंगे और वहाँ पर एक हेलीपैड भी है। तो थोड़ी देर में सामान पैक वगैरह करके निकलते हैं और फिर ट्रैक वगैरह करते हैं। ये लो भैया अपनी बाल्टी भी आ गई गर्म पानी की। जुगनू क्या सही लग रहा है यार तू, क्या कलर है तेरा। लोग रुक रुक के पूछते हैं भाई साहब कितने की है, कौन सी गाड़ी है। खैर अभी ज़्यादा आई नहीं है मार्केट में रोड पर, तो पता नहीं है लोगों को, लेकिन भाई ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही इसकी, मज़ा आया इसको चला के। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। एक बार मैं अंदर से भी दिखा देता हूँ अपना रूम, है ना। ये देखो जी स्पेशियस रूम है, लग्जीरियस है, आराम से इस बेड पे हम सो गए थे, मज़ा आया। यहाँ पे कुछ कुकिंग वगैरह करी थी रात में, अगर आपने पिछला व्लॉग नहीं देखा तो जाकर ज़रूर देखना। एक बार मैं यहाँ से दिखा देता हूँ पूरा जो टेंट है, ये देखो। और यहाँ पर है वाशरूम, सी वाशरूम भी नीट एंड क्लीन है बिल्कुल। चलो जी निकलने का टाइम आ गया है और दिखाते हैं आपको वाटरफॉल और ये जो पूरा मीडो है वो घुमाते हैं आपको सुराल भटेरी भटोरी भटोरी। बट मुझे लग रहा है ये ना दो जगह हमने वैसे भैया से पूछा नहीं, हमें पूछना चाहिए था इनसे। निकल गए क्योंकि यहाँ भटोरी कहीं नहीं लिखा मिला मुझे। हाँ, भटोरी सुराल भटोरी। ये लो वाइड कर दिया हमने, देखो कैसा नजारा है अब धीरे धीरे। यहाँ पे ना खेती कर रखी है ना, गेहूँ गाया हुआ मोस्ट ऑफ। कितनी सुंदर जगह है यार ये, बहुत ब्यूटीफुल है। थोड़ी देर में बांधते हैं, रुक जा क्योंकि हमें थोड़ा सा ही आगे जाना है। धीरे धीरे जाएंगे ताकि दूसरी वाली सीट बेल्ट ना बोले। देखो रात को गए थे हम थोड़ा सा आगे, एक हेलीपैड भी है, हेलीपैड है पता नहीं मैदान सा है, तो वहाँ जा रहे पहले। गाड़ी घास पर ना चढ़ाएं। हाँ तो घास पे कहाँ चढ़ाएंगे, घास पे चढ़ाने की जगह भी नहीं है। सारा सामान ले लिया था ना। यहाँ से अच्छा आएगा ये कैंप और ये आगे कीचड़ में से निकल। नहीं नहीं यहीं पे लगानी पड़ेगी।
सो गाइस ये जगह बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। यहाँ पर देखो पीले लेवेंडर कलर के छोटे छोटे फूल खिले हुए, और यहाँ पर क्या गजब के फोटोज और वीडियोज लिए हमने, मजा आ गया। एक ड्रोन शॉट भी लिया है तो शायद वो आपने देख ही लिया होगा। बाकी पीछे देखो यार, बादलों का डेरा हो और ये सवेरा हो सवेरा नहीं है एक्चुअली, 8:30 बज चुके हैं, मतलब सवेरा थोड़ा अर्ली हो गया था। बाकी यार ये जो वैली है ना बहुत खूबसूरत है। सो गाइस अभी जा रहे हैं हम वाटरफॉल ट्रैक के लिए, जहां हमने कैंप के अंदर रात बिताई थी। वहां से वाटरफॉल मेरे ख्याल से 3-4 किलोमीटर है, वापसी नीचे आना पड़ रहा है। बाकी मौसम तो आप देख ही सकते हैं कितना गजब का मौसम हो रखा है, और अभी टैरमैक देखने को मिल रहा है थोड़ा थोड़ा। लेकिन जब आए थे 17 किलोमीटर, जैसा मैंने पिछले व्लॉग में बोला था कि भाई 17 किलोमीटर 170 किलोमीटर लग रहे थे मुझे, और पिछला व्लॉग जाके ज़रूर देखना भाई, बहुत ही अल्टीमेट व्लॉग हमने बनाया था, तो मजा आएगा आपको देखकर। रात को अंधेरे में एक बार तो ना डर लगने लग गया था, हाँ, हम कहां जा रहे हैं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो भाई अभी हम वापसी जा रहे हैं, थोड़ा सा आगे फिर दोबारा से निकल गए थे। एक्चुअली पीछे की साइड है जो वाटरफॉल है, और वरुण भाई और मुकेश आगे निकल चुके हैं, किला किश्तवाड़ होते हुए निकलेंगे। वो बोल रहे हैं कि इस वाले पैथ से वो नहीं जाएंगे जो रोडियो वाला है वापसी, क्योंकि यार ये काफ़ी टफ हो जाता है और ये काफ़ी लंबा भी है। सुराल भटोरी आए हैं और वाटरफॉल नहीं देखा, तो सुराल भटोरी क्यों आए है ना तो जाएंगे भाई, देख के ज़रूर आएंगे। और ये पाची हैं जो लेके जा रहे हैं हमें, काफ़ी नीचे मिले हैं और बोल रहे हैं मैं आपको छोड़ देता हूँ वहाँ तक। पाची बहुत बहुत शुक्रिया, गाड़ी हमने यहाँ पे पार्क कर दी है, और यहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है। और पाजी जो मिले थे नीचे, तो ये हमें लेके जा रहे हैं वाटरफॉल तक। पहले तो ये यहाँ तक छोड़ रहे थे, लेकिन फिर बोले चलो तुम्हें झरने तक लेके चलता हूँ। तो अच्छा यार, साथ में कोई लोकल हो जाए तो मज़ा आता है। तो कुछ ऐसा नज़ारा है, ये जो गाँव है यहीं से ट्रैक स्टार्ट हो जाता है। हम काफ़ी आगे निकल गए थे पहले। आ जा भाई आ जा। तो भाई यहाँ से नीचे जाना है, और शायद वहाँ से ऊपर जाते हुए फिर दूसरे पहाड़ पे जाना है। ओ भाई साहब, रास्ता तो टफ है यार, और रॉकी को उठा के चलना पड़ रहा है। एक्चुअली ना ये उतरता नहीं है, सिर्फ चढ़ता है। आराम से आना, बिल्कुल बैठ के आ जाना चाहे। और रास्ता देखो भाई, यहाँ से जाना है हमें। बहुत ज़्यादा पानी है यार यहाँ, तो कैसे जाएंगे? एक मिनट, वो देखो वो आ रही है। ओहो पाजी पत्थर रख रहे हैं, लेकिन बहुत ब्यूटीफुल है। ऐसा करो इसको लेके जाऊं? नहीं इसको मैं लेके आऊंगा, ध्यान से बिल्कुल ठीक है, आराम से चलो, प्यार से आराम से। हो गया। ये देखो भाई कितनी तेज़ पानी आ रहा है, और यहाँ से जाना पड़ रहा है, और रॉकी मेरे साथ है। लेकिन ये भी एडवेंचर है यार, मस्त वाला। तो ये जो एडवेंचर है, वरुण भाई और मुकेश भाई मिस करेंगे। पानी का शोर देखो कितना है। ओ पार कर लिया, अब चढ़ जाएगा ये, पकड़ो। हाँ चल भाई चल, देखो ये चढ़ जाता है, उतरता नहीं है। क्या नज़ारे हैं, वाह। हमारा रॉकी भी ना एकदम मस्त भाग रहा है इस रास्ते में, रास्ता भी बहुत प्यारा। भैया किस चीज की खेत है ये? आलू, देखो आलू। और आई थिंक ये मटर, हाँ देखो मटर लगा हुआ सारे में। हाँ देखो ना मटर लगी हुई है। अब इसको भागने में मजा आ रहा, एक तरह से मुझे खींच के ले जा रहा। दौड़ते रहो रॉकी भाई, मोटर चली पम पम पम। तो भाई वाटरफॉल आ चुका है, लेकिन अभी भी बहुत दूर है, सांस फूल रही है। वो देखो वो रहा, एक सेकंड दिखाता हूँ जूम करके, सी ये रहा, वहाँ पे जाना है हमें, और हम कहाँ हैं? यहाँ पर। सी भाई साहब अभी लग जाएगा आधा घंटा ना है पाजी। नाम क्या है आपका? मेरा नाम संतोख सिंह। संतोख। ओके, तो संतोख भाई बता रहे थे ये जे एंड के से हैं, किश्तवाड़ से,
बाकी यार यहाँ पे बहुत सारे वाटरफॉल हैं, मेरे पीछे भी एक वाटरफॉल है देखो ऊपर की साइड। ये देखो यहाँ पर कितने सारे फूल लगे हुए हैं, और वहाँ पर देखो एक वाटरफॉल बोरा सी। ओहो जगह जगह वाटरफॉल है यहाँ पर, ब्यूटीफुल। खूबसूरत वैली है, खूबसूरत पहाड़ हैं, चारों तरफ ग्रीनरी है इस टाइम, और उधर देखो बादल और स्नो दोनों है, और पतली सी ट्रेल पे हम चले जा रहे हैं। यहाँ से पत्थर वाला ट्रैक स्टार्ट हो गया है और हल्की हल्की बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई है, तो होप्स हो कि यार बारिश ना आए बिल्कुल भी, क्योंकि हम रेन गियर वगैरह कुछ भी नहीं लाए हैं। ओम मानी पद्मे ओम लिखा हुआ है। हे देखो जी फाइनली ऑलमोस्ट हम पहुंच चुके हैं, आपको वाटरफॉल नज़र आ रहा होगा, वैसे तो काफ़ी पीछे से ही नज़र आने लग जाता है, लेकिन यहाँ देखो भाई फूल ही फूल है, और सामने ये नज़ारा वाटरफॉल का कितना खूबसूरत लग रहा है, अल्टीमेट लग रहा है यार। सी हमारा रॉकी भी यहाँ पे आ गया, सच पास भी चढ़ गया, क्या बात है। रॉकी कम आजा 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 थोड़ी देर पहले ये वहाँ पे गई थी आगे तक, मैं और पूरा भीग गई और ठंड के मारे ना मेरी उंगलियाँ हाथ पैर सब सुन हो गए, इतना ठंडा था, बहुत ज्यादा ठंडा है, बिल्कुल आपको भिगो देगा। कुछ एक ड्रोन शॉट्स और सिनेमैटिक्स वगैरह लिए यहाँ पर, तो वो आप देखिए भाई साहब मजा आ जाएगा, एक नंबर जगह है, और जो फोटोज आई है भाई साहब वो तो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल है। और बहुत बहुत शुक्रिया पाजी का जो यहाँ पर लेके आए, अगर ये नहीं होते ना तो शायद हम ऊपर आते नहीं, शायद नहीं आते तो सही, लेकिन जो हमारी फोटोज और वीडियोस है ना उतनी अच्छी आनी पाती नहीं आ पाती, और नहीं भैया ने बहुत हेल्प भी की हमें ऊपर तक लाने में। हाँ तो चलो जी आप शॉर्ट्स देखो, बढ़िया शॉर्ट्स है, मजा आएगा देखकर, और याद रखोगे कि यार सुराल भटोरी भी कोई जगह है, बहुत ब्यूटीफुल जगह है, जरूर आइएगा देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर ना भाई आपको बिल्कुल रॉ नेचर देखने को मिलेगा, हरियाली ही हरियाली है, चारों तरफ बादल है जैसा कि आपने देखा ट्रैक करके आ रहे थे हम, और यहाँ पर ये वाटरफॉल है विशाल का। थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही है तो इसलिए शायद अब कैमरा ऑफ करना पड़ेगा। मे बी तो ये जो विशाल का वाटरफॉल है इसके शॉर्ट्स देखिए आप, और नजारों का आनंद लीजिए। अच्छा घास है ये, आलू मटर। अच्छा आलू मटर, आलू मटर तो हमने पीछे भी देखा था, ये सारा घास है, ये थोड़ा वो है, ये मसाला। किस चीज का? इसको बोल दो ब्रूनो। अच्छा ये चाय, इसका चाय बन सकता है दिल्ली में, इसका चाय 400-500 रुपए का बिकता है। अच्छा क्या बोल रहे होटल में, क्या चीज है ये? ये ग्रूम। ग्रूम हाँ, खाओ वाला खाओ, ये को खाओ, एक खाएं ऐसे खाओ ना, एक ऐसे खाओ ना ऐसा, तो कैसे देखो ऐसे खा सकते इसको? खाओ खाओ खाओ, ये मत खाओ, घास मत खाओ, उसको मत खाओ ना, फिर कैसे खाएं? क्या खाना है बताओ? ये दाना ये वाला ऊपर वाला दाना, ये वाला ना मुंह में चखे चखो कैसे है, बहुत सही लग रहा है। तो ये मिल जाएगी मैं यहां पे, ये तो बहुत सही लग रहा है यार खाने में, कहां मिलेगा? इसकी आप ले लेना है, इसकी चाय बनती है। हाँ इसका चाय बनेगा, ये जो ये दाने का। अच्छा इस दाने की चाय बनती है, और इतना सही लग रहा है ना। हाँ ये बड़वारी, इसको बहुत महंगा बिकता है, बोला 500 रुपए कप के। 500 रुपए कप? हाँ दिल्ली में, वो भी दिल्ली बोलते हैं। क्या बात है, यहाँ से लेके दिल्ली बनाते हैं। देखो जी ये सौंफ की तरह है ना, ये जीरा की तरह भी है, सौंफ की तरह भी होता है ना,
पर इसका चाय बनता है और चटनी बना के आलू में खाओ, कड़ी में डालो, जो कुछ करो ब्राउन करके। ब्राउन करके हाँ ओके। थोड़ा सा लेके देखते, देख लो एक कप चाय बना के पी के देखते। बारिश शुरू हो गई अभी, घास है ना। अच्छा ये अंकल जी देखो हमें दे रहे हैं ये सारे, हमें दिल्ली जाना है। नहीं नहीं आप ये कहाँ से आए आपको? हम अभी किलार से, किलार आज जाना हमें, किश्तवाड़। किश्तवाड़ जाना है, किश्तवाड़ जाना है। हाँ आपने अभी रुकना नहीं है खाने पीने को? शायद कहीं रुकेंगे, मैं भी रुकना पड़ेगा शायद। भली उधर जाओ, ये बोलता भली उधर कैंप है। नहीं नहीं हमें किश्तवाड़ जाना है आज, तो रात को ये है ना इसको चूट चूट के रख लेंगे। ठीक 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 चाय में डालो, चाय में डालो। ये देखो इतना ही डालो, तीन चार आदमी चाय में ना। हाँ हाँ आप तीन आदमी है, इतना डालो, इतना बड़ा है। हाँ और इसको दूध मत डालो। अच्छा दूध नहीं डालना, मीठा आपका अपना। अच्छा ये ब्लैक टी की तरह, ब्लैक टी बनेगा, ब्लैक टी की तरह काम करेगा, ब्लैक टी का काम करेगा। और इसको मतलब ज्यादा वो चीनी अपना स्वाद के अनुसार, थैंक यू, थैंक यू अंकल जी। देखो अंकल जी ने हमें कितने सारी ये पत्तियां दे दी है, तो हम डालो ठीक है। अच्छा चाय पत्ती हो जाएगा। ठीक 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 ठीक, मैं जहाँ भी जाती हूँ ना ये सब लेके आती हूँ। बारिश शुरू हो गई बहुत तेज, चलो फटाफट भागते नहीं तो रॉकिंग भीग जाएगा नीचे की तरह। अच्छा आंटी जी बाय बाय, आराम से जाओ। चलो अंकल जी थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बाय। कुत्ता रख दो मेरे को। नहीं 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 वो हमारा प्यारा है। चलो ओके बाय बाय, चलो पाजी बाय बाय, फिर मिलेंगे चलते चलते कहीं। चलो जी ओके बाय। सो गाइस अब जो व्लॉग है उसको एंड करते हैं, बाकी यार बहुत मजा आया है ना, वहाँ पे जाके तो ना लग रहा था जन्नत में आ गए। बहुत अच्छी जगह है यार, बहुत अच्छी जगह है। और हिमाचल को यार स्वर्ग बोला जाता है, बोला वैसे तो कश्मीर को ही बोलते हैं स्वर्ग, लेकिन भाई हिमाचल बहुत ज्यादा खूबसूरत है। और ये जो वैली हमने देखी और वाटरफॉल देखा ना, मतलब मजा आ गया। जहाँ पे हिमाचल मतलब हिम का बर्फ का आंचल होगा, वो जगह खूबसूरत तो होगी होगी। चलो जी अब करते हैं फटाफट एंड, हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राइड सेफ, जय हिंद एंड सायोनारा।